छात्र सम्मान समारोह में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने की शिरकत। छात्रों सहित सीतापुर की कई महान विभूतियों को राज्यपाल ने पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। इतना ही नहीं, छात्रों को अपने छात्र समय के दिए चार मूल मंत्र आपको बताते चले। यूपी के सीतापुर की तहसील बिस्बा में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की, जहां राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा राज्यपाल राम नाईक का स्वागत किया गया। अच्छे मार्क से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सरकार की ओर से राज्यपाल द्वारा पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ सीतापुर की कई महान विभूतियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी बीच उन्होंने कहा कि जब बच्चों को अच्छे अंकों पर सम्मानित किया जाता है तो इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने छात्रों को छात्र धर्म पालन करने की भी नसीहत दी। कहा कि शिक्षा के साथ कभी भी किताबी कीड़ा मत बनो। इस कार्यक्रम में श्री राम चंपा देवी इंटर कॉलेज, बालिका सरस्वती इंटर कॉलेज व एल्पिश ग्लोबल के हाई स्कूल व इंटर के सर्वोच्च अंक प्राप्त मेधावी छात्रों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सीतापुर की कई विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन व सैकड़ों छात्र छात्राओं सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता हूँ, नहीं हूँ। और जो निर्णय आया है वो जनतंत्र की विजय हम मान सकते हैं कि अगर चुनाव संपूर्ण ढंग से पूरा करना, और जो निर्णय आया है वो सबने मानना चाहिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ, किसकी जीत और किसकी हार उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया देना, मेरे पास जो पद है उसके लिए समझता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीन अलग अलग शैक्षिक संस्था ने एक मंच पर आकर यहाँ के जो अच्छे छात्र हैं उनका अभिनंदन किया। इस विभाग में जो अच्छे नागरिक हैं उनका भी अभिनंदन किया। एक शिक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छा वातावरण देखने के लिए मैं प्रसन्न हूँ।